डियर स्टूडेंट्स, आपको तीन फाइलम के वीडियो मिल चुके हैं, पॉडिफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस। तीनों वीडियो के बाद चौथे फाइलम को हम लोग आपके सामने वीडियो लेक्चर रखने जा रहे हैं। ये जो फोर्थ फाइलम है, इस फाइलम का नाम है प्लेटी हेलमेंथिस। बहुत सारी चीजें यहां पे पहली बार आपको देखने को मिलेगी। इसके पहले के तीनों फाइलम डिप्लोब्लास्टिक थे, इसके पहले के तीनों फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ एसिलोमेट थे, बट यहां पे पहली बार आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मिलेगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी आश्चर्यजनक बात यह है कि मेजोडर्म तो है बट मेजोडर्म टूटता नहीं है, यानी कि ये भी एसिलोमेट है। लेकिन यूनिक बात है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी एसिलोमेट। क्लियर है? यानी कोई लाखपति हो फिर भी उसका बच्चा 1,000 रुपया की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ देती है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? वही बात है, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके पास इक्टोडर्म भी है, इंडोडर्म भी है, मेजोडर्म भी है, बट मेजोडर्म टूटता नहीं है इसलिए सिलोम बनता नहीं, इसलिए इसको एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो बॉडी होता है ना वो फ्लैटेंड बॉडी होता है, ये देखिए, ठीक है। ये फ्लैट, ये फ्लैट, ठीक है, ये फ्लैट बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं डॉर्सल। ये जो है वेंट्रल, जिसे देखिए, ये सरफेस हमारा हो गया वेंट्रल, पीछे वाला सरफेस हो गया डॉर्सल, ठीक है। तो डॉर्सल भी फ्लैट, वेंट्रल भी फ्लैट, इसलिए इसके बॉडी को बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इन द बॉडी ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। क्लियर है? इसलिए इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। इसके अगले वाले फाइलम को एस्केलमेंथिस को बोलते हैं राउंड वर्म, क्योंकि उसका जब सेक्शन काटेंगे तो राउंड उसका टीएस दिखाई पड़ेगा, ट्रांसफर सेक्शन, बट इसका बॉडी फ्लैट होता है प्लेटी हेलमेंथिस का। देखिए नाम ही है प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, इसीलिए घर में रखे हुए जिसमें खाना खाते उसको बोलते हैं प्लेट, प्लेट ले लो, प्लेट चपटा होता है। प्लेट कभी देखें ऐसा नहीं होता है, उस पर खाना खा सकते हैं नहीं, प्लेट मतलब, इसलिए नाम है प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म भी कभी देखें ऐसा नुकीला, उस पर चलते हुए ट्रेन या उस पर चलते हुए पब्लिक, नहीं, प्लेटफॉर्म भी चपटा होता है, आपके घर का प्लेट भी चपटा होता है। उसी तरह प्लेटी हेलमिंथ, हेलमिंथ मतलब वर्म, प्लेट मतलब, प्लेटी मतलब चपटा, यानी चपटा वर्म, फ्लैट वर्म, यानी बॉडी कैसा? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस द ऑल मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथिस इज नोन एज फ्लैट वर्म। ऑल मेंबर्स आर डिप्लोब्लास्टिक, ऑल मेंबर्स आर एसिलोमेट। और कहता है पहले के फाइलम से भी तो कुछ कनेक्शन होगा, कहता है जिससे निडारियंस और टीनोफोरंस था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इसमें भी है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी इसमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक तो होता है बट इनकम्प्लीट होता है, यानी यहां भी माउथ और एनस का काम एक ही ओपनिंग करता है, ठीक है। हाइड्रा में जो करता था उसको क्या बोलते थे? हाइपोस्टोम। वही माउथ वही एनस, यहां भी एक ही ओपनिंग, माउथ भी एनस भी। और कहता है किसी किसी में तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट ही होता है, वो भी ओपनिंग नहीं होता है, जो पैरासिटिक फॉर्म है। एक्चुअली में जो पैरासिटिक फॉर्म है उसको कोई जरूरत ही नहीं है, बना बनाया भोजन को सिर्फ एब्जॉर्ब करना है बॉडी से, ठीक है। उनको तो ना खाना है ना पचाना है, ठीक है, बस अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो पैरासाइट क्या करते हैं? कोई पूछेगा पैरासिटिक लाइफ में, मैं आपको स्पेशल इसमें बताने जा रहा हूं पैरासिटिक लाइफ में क्या होता है। तो कहता है पैरासिटिक लाइफ में हर सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है या एब्सेंट होता है, सिर्फ एक सिस्टम को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनका काम ही है संख्या को बढ़ाना, क्योंकि संख्या लाखों कर लेते हैं, बना बनाया भोजन कहां से मिल रहा है? होस्ट बॉडी से। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए कहता है कि यहां पे कह रहा है ये पहला फाइलम है जो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। सबसे पहला फाइलम पॉडिफेरा क्या था? एसिमेट्रिकल। टीनोफोरंस और निडारियंस क्या था? रेडियली सिमेट्रिकल। और ये है बायलैटरली सिमेट्रिकल,
ये क्या है, बाय लेटरली सिमेट्रिक, यानी कि इसके मेंबर के बॉडी एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में बट जाएंगे। और बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल ठीक है, मतलब प्लेटी एलमेंथिस से लेके क्वाड्राटा तक सारे के सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, समझ गए, सारे के सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहता है ये, अब इसमें आगे आगे जब बात करते हैं तो इसमें एक चीज बड़ा यूनिक है जो किसी भी उसमें नहीं है। अगर कोई पूछे आपको कि पॉरीफेरा निडारियंस टीनोफोरेंस में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू निकलता है, तो आपको बोलना है जनरल बॉडी सरफेस। बट अगर प्लेटी एलिमेंट्स में पूछेगा तो एक यूनिक सेल का नाम बताएंगे आप, वो शुरू में हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि आपको याद रहे, क्योंकि वो और किसी में नहीं पाया जाता। उसका नाम है फ्लेम सेल्स, फ्लेम फ्लेम जो लैंप वाला जो फ्लेम होता है ना, वैसा सेल होता है फ्लेम सेल्स, या उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। यानी कि ये फ्लेम सेल्स है या प्रोटोनेफ्रीडिया जो है, ठीक है, या इसका एक और नाम है, बता सकते हैं आप, सोच सकते हैं, उसका नाम है सोलिनोसाइट्स, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स, ठीक है, मैं बता, देखिए यहां पे हमने सबसे नीचे लिखा है फ्लेम सेल्स, तो मैं बता दूं आपको, फ्लेम सेल्स सबसे ऊपर में लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, या इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सोलिनोसाइट्स, सोलिनोसाइट्स, ठीक है, सोलिनोसाइट्स, एस्टेटोसाइट्स नहीं, एस्टेटोसाइट्स कल हमने बताया था टीनोफोरेंस में, ठीक है, यह है सोलिनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ओनली फॉर एक्सक्रीशन इन प्लेटी एलिमेंट्स, और कहीं इसकी चर्चा नहीं होगी किसी फाइलम में, क्लियर है। अब थोड़ा आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सो मतलब अपर साइड, वेंट्रल मतलब लोअर साइड, ये इंडो पैरासाइट होता है। कहता है इसमें अधिकांश एनिमल इंडो पैरासिटिक होता है। इंडो पैरासिटिक का मतलब बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में, या तो सेल के अंदर होगा, या तो टिश्यू के अंदर होगा, या किसी कैविटी के अंदर होगा, कैविटी के अंदर होगा, कैविटी के अंदर होगा, क्लियर है पॉइंट। तो अधिकांश मेंबर, ठीक है, क्या होगा, अधिकांश मेंबर इंडो पैरासिटिक होगा, कुछ मेंबर जो है वो फ्री लिविंग भी होगा, कुछ मेंबर क्या है, फ्री लिविंग भी होगा। फ्री लिविंग मतलब ऐसे जनरल फ्रेश वाटर में रहने वाला, मैराइन वाटर में रहने वाला, ठीक है। कहता है डुजेसिया, डुजेसिया जूलॉजिकल नाम है, कॉमन नाम उसका प्लमेरिया, इज ए फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा देखने सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये जो प्लमेरिया है ना, ये प्लमेरिया जिसका नाम क्या है, डुजेसिया, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर अगर कोई पूछेगा तो इसी में पाया जाता है। यानी इसका मान लीजिए कि पैर कट गया, ठीक है, इसका मान लीजिए कुछ भी कट गया, या इसके बॉडी को आप टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए, काट दीजिए, सब नया बॉडी बन जाएगा, सब पूरा का पूरा बॉडी बन जाएगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो ये रीजनरेशन जो है, ये रीजनरेशन जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये रीजनरेशन प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसमें होता क्या है, कहता है रीजनरेशन प्रॉपर्टी में, ठीक है, कोई भी बॉडी का जो पार्ट है, जो कटा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो पूरी की पूरी मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट को रीजनरेट कर लेता है, क्लियर, यानी दूसरे पार्ट को क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यानी कि रीजनरेशन वाला पार्ट है, यानी कि इसके बॉडी को कितने भी टुकड़े माटी है, वो पूरा का पूरा बॉडी को क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा। इस यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं रीजनरेशन। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लेनेडियम में। उसके बाद कहता है बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री पहले ही बता चुके हैं क्या होगा, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। फिर कहता है ऑर्गन लेवल, इसमें जाके ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। आपको पता है इसके पहले क्या होता था, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अगले दो फाइलम में, ठीक है, यानी कि निडारियंस और टीनोफोरेंस में टिश्यू लेवल का, और इसमें पहली बार देखने को मिलेगा ऑर्गेन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
वो भी सिर्फ ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम नहीं, यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइज। और टी एंड ए का मतलब क्या हमने लिखा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सीलोमेट, क्लियर है पॉइंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सीलोमेट। उसके बाद कहता है ना तो इसमें एक्सोस्केलेटन होता है ना तो इसमें एंडोस्केलेटन होता है। आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन क्या है, हमारे और आपके बॉडी में एंडोस्केलेटन जो है वो है बोन कार्टिलेज, ठीक है, बोन और कार्टिलेज। एक्सोस्केलेटन क्या है, नाखून हेयर, ये सब एक्सोस्केलेटन के रूप में है, ठीक है। इसमें ना तो एंडोस्केलेटन होता है ना तो एक्सोस्केलेटन होता है। आपने पॉलीफेरा में देखा था कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, कैल्सियम कार्बोनेट, स्पॉन्जिन फाइबर, सिलिसियस फाइबर, ठीक है, ये सब था, ठीक है। यहां पे कोई सब कुछ भी नहीं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये सिलेंटेटा में भी आपने देखा था, कोरल्स में कैल्सियम कार्बोनेट का था एंडोस्केलेटन। अब आइए, कहता है ये एक्सोस्केलेटन ये हो गया। हुक्स स्पाइंस सकर्स ऑल आर प्रेजेंट इन पी फॉर्म, पी फॉर्म का मतलब पैरासिटिक फॉर्म, पैरासिटिक फॉर्म जो होगा उसको चिपकने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, उसको मैं अलग से भी बताने वाला हूं, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, कहता है द स्पेस। अब बताइए इसमें जो भी ऑर्गेन है, चाहे एलिमेंट्री के नाम हो, भले इनकम्प्लीट है बट है तो, चाहे इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो, सबके बीच में ना एक पैकेजिंग मटेरियल होता है, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसमें मेजोडर्म तो है ही, और मेजोडर्म है तो मेजोडर्म से क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसके डिफरेंट ऑर्गन के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन के बीच जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है, लिविंग परमानेंट टिश्यू है, लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट के अंदर। यानी कि परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर क्या होता है, जो कभी डिवाइड नहीं करे उसको परमानेंट टिश्यू, जो डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर दे, लॉस्ट हो जाए, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, और जिसमें डिवीजन कैपेसिटी मेंटेन है उसको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्लांट में। और वो जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दो ही तरह का होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम, और जो सिंपल होता है वो होता है तीन तरह का, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो वहां भी पैरेन्काइमा होता है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। कहता है कि प्लेटी हेलमेंथिस के मेंबर के बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनके बीच में उस जगह को फिल करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उन सबको कनेक्शन करके रखता है, उसके मास को, ये बड़ा पिकुलियर होता है, बड़ा यूनिक होता है, कहीं आपको किसी एनिमल किंगडम में नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ, ठीक है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर ऑर्गन आर फिल्ड विद ए पिकुलियर कनेक्टिव टिश्यू नोन एज पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। देखिए आप पूरा लिखा कीजिए, हमारे वर्ड पे अगर कोई स्पेलिंग अगर आपको थोड़ा लगता है इनकम्प्लीट तो मेरी आदत हो गई है, ठीक है, बहुत बच्चे डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर का हैंडराइटिंग देखते देखते मेरा हैंडराइटिंग भी खत्म हो गया, यानी कि मैं भी शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज किया कीजिए, ठीक है। आप पूरा लिखा कीजिए, मेरी वर्ड को पॉज करके सुन लिया कीजिए, ठीक है। अब आइए, ठीक है, कहता है इट हेल्प्स इन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, ये डिफरेंट जो ऑर्गेन है उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन, उसी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा वहां भी जाता है भोजन, वहां भी जाता है, वहां भी जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का यही माध्यम है। ब्लड यहां पे नहीं है, लिम्फ यहां पे नहीं है, ठीक है। कहता डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ओनली वन ओपनिंग, पहले ही बता दिए, इसलिए ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। और कहता एब्सेंट इन टेपवर्म, टेपवर्म में तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, क्योंकि वो कैसा फॉर्म है, पैरासिटिक फॉर्म, क्लियर है। और टेपवर्म के लार्वा की चर्चा करेंगे अभी, उसको याद रखिएगा, टेपवर्म के लार्वा की चर्चा करेंगे, टेप वर्म के लार्वा की चर्चा करें। अब आइए, कहता फ्लेम सेल्स, ये तो बताई थी। फिर कहता है दूसरे एनिमल की तरह, अभी तक पॉलीफेरा का एनिमल हर्मापोडाइट था, यानी बायसेक्सुअल था, निडारियंस का भी बायसेक्सुअल था, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है उसका टीनोफोरंस का, वो भी बायसेक्सुअल था, और ये भी बायसेक्सुअल होता है एक्सेप्ट हिस्टोसोमा। हिस्टोसोमा बोलने में एच आई एस टी ओ एम ए होना चाहिए, स्पेलिंग होता है एस सी एच आई एस टी ओ एम ए, हिस्टोसोमा। हिस्टोसोमा जो है उसमें क्या होता है, वो होता है अलग अलग, यानी कि मेल अलग बॉडी पे और फीमेल अलग बॉडी पे,
दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है, ठीक है। बाकी जितने भी जनरल ब्लड एलिमेंट्रीज हैं सब में दोनों सेक्स एक ही बॉडी पे होता है, मेल भी और फीमेल भी, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन यहां भी इंटरनल, यानी पीछे के तीन फाइलम को अगर दो फाइलम को देख तीन फाइलम को देखेंगे तो कहता है निडाड़ी ये पॉडिफेरन में इंटरनल था, निडाडियंस में भी इंटरनल था, ठीक है। फिर उसके बाद टीनोफोरेंस में एक्सटर्नल था, यहां फिर इंटरनल, ठीक है। और यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसी किसी में होता है। और यहां पे जैसे प्लिनेडिया ले लीजिए, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टेपवर्म में होता है, कहते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे होता है ट्रांसवर्स बीएफ के द्वारा। ट्रांसफर बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड मत समझ जाइएगा, बेस्ट फ्रेंड मत समझ जाइए, ट्रांसफर ट्रांस ये ट्रांस क्या उसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। ये देखिए यहां पे लिखा हो प्लेनेरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो मैं बहुत चीज शॉर्ट में लिखता हूं, उसकी अलग मीनिंग आपको नहीं लगाना है, बुक के अकॉर्डिंग ही लगाना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लगाना है, क्लियर है। ये सारा आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो देखिए फिर कहता है, देखिए ये तो मैंने बता दिया फर्टिलाइजेशन क्या है इंटरनल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या, मैंने पहले ही दिन बताया था, अगर किसी एनिमल में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है इसका मतलब लार्वा के थ्रू हो रहा है, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो विदाउट लार्वा, यानी बिना लार्वा के डायरेक्ट, ठीक है, बिना लार्वा के डायरेक्ट, और विद लार्वा इनडायरेक्ट, जैसे पॉडिफेरा में, ठीक है, पॉडिफेरा में भी इनडायरेक्ट था, ठीक है, निडारियंस में भी इनडायरेक्ट था, टीनोफोरेंस में भी इनडायरेक्ट था, यहां भी इनडायरेक्ट ही है, यानी यहां भी लार्वल स्टेज होगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए रीजनरेशन प्रॉपर्टी, खूब पाई जाती है टीनिया में, पाई जाती है फेसियोला में, लेकिन सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया में, और फेसियोला हिपेटिका, ठीक है, ये फेसियोला हिपेटिका, इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक, इसके बारे में मैं आपको एक अभी बताऊंगा ट्रिक, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूं बढ़िया से। अब देखिए देखिए यहां पे एक एनिमल है, इसका एग्जांपल है फेसियोला हिपेटिका, हिपेटिका, ठीक है, फेसियोला हिपेटिका, देखिए हिपेटिका तो आपको लग गया होगा, इसका कॉमन नाम है लीवर वर्म, लीवर वर्म, ठीक है, लीवर वर्म, ठीक है, किससे लग गया आपको, हिपेटिका, हिपेटिक सेल लीवर में होता है, लीवर वर्म इसको बोलते हैं लीवर वर्म। लीवर वर्म क्या होता है आपको जान नॉलेज में होगा, लीवर वर्म प्लांट, देखिए लीवर वर्म बोलेगा तो ये हो गया, एक्चुअली में इसको बोलते हैं लीवर वर्म या लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, ठीक है। और लीवर वर्ट अगर पूछे डब्ल्यू ओ आर टी तब आप बोलिएगा वो ब्रायोफाइट का एक टाइप होता है, ब्रायोफाइट का एक ग्रुप होता है, ब्रायोफाइट के दो ग्रुप हैं, एक मॉसेस एक लीवर वर्ट्स, वो अलग चीज है, वो प्लांट हो जाएगा। मतलब बॉटनी जूलॉजी में ऐसा चीज है कि अगर एक लेटर इधर उधर होगा तो बॉटनी या जूलॉजी बदल जाएगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा, ठीक है, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा बायोलॉजी, ठीक है, एक दो टीचर तो आपके स्कूल में भी होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं जनरली बायोलॉजी का टीचर क्या होता है मालूम है, या तो मास्टर डिग्री किया रहेगा बॉटनी से या मास्टर डिग्री किया रहेगा जूलॉजी से, बॉटनी से करेगा एमएससी तो उसको दिन रात बॉटनी 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 करते रहेगा, और या तो जूलॉजी से होगा दिन रात जूलॉजी जूलॉजी जूलॉजी, अगर बॉटनी में कोई क्वेश्चन पूछिएगा जूलॉजी पे लेके चला जाएगा, पूछिएगा फ्लोएम क्या होता है, घुसा देगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां से निकालेगा, क्योंकि बॉटनी आता है ये जूलॉजी आता है बॉटनी नहीं आता, तो ऐसे होता है, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि ये जो आदमी भाषण दे रहा है ये क्या है, हम ना तो बॉटनी से एमएससी है ना तो जूलॉजी से एमएससी है, हम है माइक्रोबायोलॉजी से, हम है बायोटेक्नोलॉजी, दो दो सब्जेक्ट में एमएससी है, माइक्रोबायोलॉजी से भी एमएससी और बायोटेक्नोलॉजी से भी एमएससी, इसीलिए, और आप जानते होंगे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों में बॉटनी भी पढ़ना होता है, जूलॉजी भी पढ़ना होता है और केमिस्ट्री की भी कुछ झलक लेनी होती है, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री को भी बोलते हैं झलक दिखला जा,
ठीक है, और बॉटनी को भी बोलते हैं तू भी आ जा, जूलॉजी को बोलते हैं बिल्कुल आ ही जा, ठीक है, यानी आ ही जा, झलक दिखला जा। तीनों तरह के हमारे बच्चे हंस रहे, तीनों तरह की बात है। इसलिए आपका ये गुरुदेव, आपका ये टीचर बॉटनी भी मस्त जानता है, जूलॉजी भी बेहतरीन जानता है, और केमिस्ट्री को भी जानता है। इसलिए कभी दिक्कत होगी तो केमिस्ट्री में भी मैं आपको ट्रिक बताने के लिए तैयार हूं। केमिस्ट्री में भी ट्रिक है मेरे पास, 1000 तो नहीं है, 100 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, लेकिन 30-40 तो है, और उसमें भी बड़े बढ़िया बढ़िया चैप्टर का है, केमिकल बॉन्डिंग का, जो जल्दी पल्ले नहीं घूमता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे वो भी, ठीक है। देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, मजे लेते रहिए, लाइक करते रहिए, फिर चैनल बढ़ेगा, दिन दुनी रात दुनी ये होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तरक्की, दिन दुनी रात चौगुनी। फिर मैं बताऊंगा केमिस्ट्री में, ठीक है, एक है ना वो टीचर, उसका प्रचार भी कर रहा हूं, एक टीचर है फिजिक्स वाला, वो यूट्यूबर में, मतलब यूट्यूबर यानी कि एजुकेशनल यूट्यूबर में नंबर 1 पे है, 32 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन वो तब आया जब कोई नहीं था यूट्यूब पे, और वो मैं बता दूं, आप भी उसका चैनल देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता है, ये यूनिक बात है, दोनों पढ़ाता है वो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो बंदा तब आया जब कोई नहीं था इस फील्ड में, हमारा आना तो अभी 2-3 महीना हुआ है, हम तो अभी बच्चे हैं इस फील्ड में, ठीक है, सब दिन डायरेक्ट पढ़ा रहे थे, बिल्कुल ही बच्चे, ठीक है, इस फील्ड में, बाकी एज वो ठीक ठाक है, ठीक है, उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड में बच्चा हूं, तो यूट्यूबर में बच्चा हूं, और वो मेरा सारा काम तो मान लो हम तो करते नहीं, वो है मैम, वो करता है घर में, ठीक है। तो चलिए, आप लोग आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, सब कुछ अच्छा लगता हो, तो आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, भले आप कॉम्पिटिटर से करवाइए ना करवाइए, दोस्तों से, नॉन जो मेडिकल नहीं लिए उनसे करवाइए अगर आपको कॉम्पिटिशन लगता है। आकाश रेवाड़ी के हमारे कुछ कल बच्चे थे, वो हमें वीडियो में डायरेक्ट बोल रहे थे, लाइव क्लास में, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे उनकी क्लास होती है, वो बोल रहे थे, सर जानते हो सर मैं क्यों नहीं सब्सक्राइब करवाता हूँ हम लोग किसी और को, क्योंकि हमारा एक कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा, आपसे मैं पढ़ता हूं तो आपका ट्रिक जानने का अधिकार सिर्फ मुझे है, ना मेरे किसी दूसरे दोस्त को है, ना किसी कोई डॉक्टर साहब उस्ताद साहब जो टीचर होते हैं इधर उधर उनका है, मतलब वो दूसरे टीचर को भी देना नहीं चाह रहा, उनको भी पता है कि टीचर भी चीटिंग करते हैं ट्रिक का, तो वो बोले कि ना ना सर हम किसी दूसरे टीचर को देंगे और ना हम किसी दूसरे स्टूडेंट देंगे, तो कोई बात नहीं, आप भी ट्रिक समझिए, रखिए, अपने भाई बहन को जरूर दीजिएगा, लेकिन उसको भी गुरु मंत्र देने के बाद भूलिएगा, किसी और को नहीं देना है, ठीक है, समझ गए। लेकिन हाँ, मतलब जब सफलता पा लीजिए तो सबको दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, क्योंकि जो देने में मजा है वो किसी से मांग के कुछ रखने में मजा नहीं है, देने में विश्वास कीजिए, मतलब लुटाइए सब कुछ, अगर भगवान ने आपको दिया है तो किसी से छीना झपटी मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते, अब देखिए ये क्या है, इसमें लार्वा है 5, ठीक है, तो पेंटामॉर्फिक लार्वा है, पेंटामॉर्फिक 5 तरह के लार्वा है, पेंटामॉर्फिक लार्वा, ठीक है, पेंटामॉर्फिक लार्वा 5 तरह के लार्वा है, बट इसका सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस नीट में डायरेक्ट आता है, पेंटामॉर्फिक लार्वा है ये, पेंटामॉर्फिक लार्वा नाम बड़ा अजूबा जुबा है, आपको रटने में बड़ा दिक्कत होगी, ठीक है, एक का नाम है मीरासीडियम, मीरासीडियम सीडियम, ठीक है, एस्पोरोसिस्ट, एस्पोरोसिस्ट, ठीक है, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है, समझ गए। तो मेरे क्लास में बायोलॉजी की एक टीचर थी, मैडम थी, ठीक है, उनका उनका नाम था, हम लोग मिस मिस बोलते थे, मिस इसलिए बोलते थे क्योंकि वो अनमैरिड थी, तो मिस और रश्मि नाम था, रश्मि मैडम, तो हम लोग उनको बोलते थे मिस रश्मि, मिस रश्मि, मिस रश्मि मैम, मिस रश्मि मैम, तो मिस रेशमी, यहाँ रश्मि नहीं है, ना रश्मि है, ना रोशनी है, ठीक है, ना रोशन है, यहाँ पे है मिस रेशमी, ठीक है, ये देखिए MISRESI, ठीक है, मी, मिस रेशमी, मिस रेशमी, ये याद रखिएगा, MISRESI
CEME, मिस रेशमी। ये क्या है? मिस रेशमी, ठीक है, क्लियर है। यानी कि MI मिरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया मेटासर्केरिया, क्लियर है पॉइंट। और उधर आपको क्या है लास्ट में ये बता दें कि जितने भी इसके पैरासिटिक फॉर्म हुए उसमें ये चार स्ट्रक्चर जरूर होगा, हुक्स सकर्स, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रक्चर होगा और थिक टेगुमेंट होगा। इसको इंटेगुमेंट नहीं बोलिएगा इसलिए कि बाहर होता है, इसलिए थिक टेगुमेंट है। ये हुक किसके लिए होता है? एडहेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए। सकर किसके लिए होता है? पहले एडहेयर करता है फिर उसको, ठीक है, इंगेज करता है, फूड को इंगेज करता है। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। और थिक टेगुमेंट ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो जिसे मान लिया हमारे बॉडी में आ गया प्लेटिहेमेंथिस, तो इसके ऊपर जो इंटेगुमेंट होता है ना उसको बचाता है हमारे डाइजेस्टिव जूस से। और ह्यूमन तो एंटीबायोटिक भी लेता है तो एंटीबायोटिक के असर से भी बचाता है, यानी डाइजेस्टिव जूस से, इंजाइम से, एंटीबायोटिक से उसको बचाता है कौन? इंटेगुमेंट, क्लियर है। तो हुक सकर ये सब आप बात है। डियर स्टूडेंट देखिए प्लेटिहेमेंथिस तो अब लास्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। प्लेटिहेमेंथिस में आपने कॉमन कैरेक्टर देख लिया और अभी मैंने क्या बताया था आपको? लार्वा, किसका लार्वा बताया था? लीवर फ्लूक का। लीवर फ्लूक का नाम क्या था? फेसियोला हिपेटिका। कितने तरह के लार्वा थे? पांच तरह के। और ये जो पांच तरह का जो लार्वा था इसलिए इसको बोलते हैं पेंटामॉर्फिक लार्वा, यानी फेसियोला हिपेटिका हैविंग पेंटामॉर्फिक लार्वा, पांच तरह के लार्वा थे, ठीक है। उसी फेसियोला हिपेटिका के बारे में कुछ और स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, ठीक है। तो क्या रखनी है सो देखिए, फेसियोला द लीवर फ्लूक डायजेनेटिक पैरासाइट। डायजेनेटिक पैरासाइट मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, वैसा यही इंट्रोडक्शन पढ़ने का फायदा होता है। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया है डायजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है। वैसा कोई भी पैरासाइट जिसके दो होस्ट होते हो, यानी जिसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती हो, एक उसका होता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा उसका होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है डेफिनेट होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का मतलब होता है इंटरमीडिएट होस्ट, ओके, ठीक है। जिससे मलेरियल पैरासाइट भी आपका डायजेनेटिक पैरासाइट है, फाइलेरियल पैरासाइट यानी उचेरिया बैंक्रॉप्टी भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, बट जो डायरेक्ट कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपके बॉडी में आता है, किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं आता, वो होता है मोनोजेनेटिक पैरासाइट। तो संजोग से यहां जो भी पैरासाइट है प्लेटिहेमेंथिस में वो आपको डायजेनेटिक पैरासाइट ही है। बट जो एस्केलमेंथिस आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एस्केरिस है वो है मोनोजेनेटिक पैरासाइट, बट उचेरिया बैंक्रॉप्टी जो है वो है डायजेनेटिक पैरासाइट। वो दोनों कहां पे आप पढ़ेंगे? वो दोनों आप पढ़ेंगे, ठीक है, एस्केलमेंथिस में या नीमे हेलमेंथिस या नीमेटोडा, इसके अगले वाले फाइलम में, क्लियर है। तो यहां पे देखिए डायजेनेटिक पैरासाइट ये होता कहां पे है? कहता है इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है सीप और गोट। सीप और गोट के बाइल डक्ट, लीवर से जो बाइल डक्ट निकलती है जिसको आप कहते हैं, ठीक है, राइट हिपेटिक डक्ट लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, वो भी मैमल्स है दोनों, गोट भी और सिप भी, उसके बाइल डक्ट में ये पाया जाता है ये पैरासाइट यानी लीवर फ्लूक, ठीक है। तो बाइल डक्ट में पाया जाता है इसलिए इसका नाम है लीवर फ्लूक, क्लियर पॉइंट, क्योंकि लीवर के बाइल डक्ट में पाया जाता है इसलिए तो नाम है। कहता है कि ये प्राइमरी होस्ट है, क्लियर, और इंटरमीडिएट होस्ट इसका कौन है? यानी दो होस्ट होंगे, इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट इसका कौन है? स्नेल, यानी कि एस से स्नेल याद रखिएगा, एस से सेकेंडरी होस्ट याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट, यानी स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट है। और गोट और सिप, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन गोट और सिप भेड़ बकरी ऐसे एक साथ याद रखिएगा, उसका प्राइमरी होस्ट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। लीवर रोट ये डिजीज कॉज जो करता है प्राइमरी होस्ट में वो क्या? तो कहता है लीवर रोट डिजीज, इसका नाम ही है लीवर रोट डिजीज, ठीक है। ये विशेषता इसमें देखिए, ये एनएरोबिक होता है यानी बिना ऑक्सीजन के भी ये आराम से सरवाइव करता है, बिना ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन करता है, ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। प्लस कहता है ये हर्मापोडाइट होता है, ठीक है, हर्मापोडाइट का मतलब, ठीक है, हर्मापोडाइट का मतलब बायसेक्सुअल, हर्मापोडाइट का मतलब वही बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, ठीक है। एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कहता है हर्मापोडाइट तो होता है, ठीक है, बट इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पॉडिफेरा की तरह इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अर्थवर्म की तरह इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन रहने के बावजूद भी, ठीक है,
दो इंडिविजुअल के बीच क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर है। और इसमें एक और, ये तो हमने बता ही दिया था, लार्वल स्टेज मेनी फाइव टाइप्स, इसमें हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, मीरासीडियम, ठीक है, एस्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। और बताइए इसके लिए ट्रिक क्या बताए थे, मिस रेसी। अभी जस्ट बताए थे आपको मिस रेसी, एम आई से वीरासीरियम, एस से स्पोरोसिस्ट, आर ई से रेडिया, सी से सर्केरिया और एम ई से मेटा सर्केरिया, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ठीक है। पेंटामॉर्फिक लार्वा, और कहता है इसमें पॉली इम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, जैसे प्लांट में पॉली इम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है उसी तरह लीवर फ्लूक में भी पॉली इम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है। एक और एग्जांपल है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे, वो भी नाम आपने बहुत सुना होगा, प्लेटीहेलमिंथिस का ही एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, जिसको हम लोग पोर्क टेट वर्म भी बोलते हैं, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं पोर्क टेट वर्म, लिखा हुआ है संजोग से। रिबन सेट, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, ये भी डायजेनेटिक पैरासाइट है, तो इसके भी दो होस्ट होंगे। कहता है इसका एडल्ट फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसका एडल्ट फॉर्म ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी ह्यूमन इसका हो गया प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट जो इसका है वो है पिग, यानी लार्वल स्टेज जो होता है, ठीक है, वो पिग में पाया जाता है, क्लियर है। यानी लार्वल स्टेज कहां पे होगा, पिग में पाया जाएगा। ये जान जाइए कि सेकेंडरी होस्ट उसी को बोलते हैं, जिसमें लार्वल यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उसको सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन में होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, और प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं, डिफिनिट होस्ट किसको बोलते हैं, मच्छर को, ठीक है, क्लियर। तो आइए एडल्ट, यानी कि एडल्ट जो है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी प्राइमरी होस्ट ऑफ ह्यूमन, और लार्वल स्टेज इन, ठीक है, किसमें, कहते हैं मसल्स ऑफ पिग, यानी सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है, पिग, इसी पिग के कच्चा मांस खाने से हमें होती है बीमारी टीनिएसिस, क्योंकि उसमें पाया जाता है टीनिया सोलियम या उसमें पाया जाता है टेप वर्म, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। तो ये टीनिया सोलियम के बारे में है, ठीक है। अब आइए, ये प्लेटीहेलमिंथिस के तीन क्लासेस है, प्लेटीहेलमिंथिस के तीन क्लासेस है, ठीक है, ये थ्री क्लासेस है। पहला क्लास टर्बुलेडिया, कहते हैं टर्बुलेडिया में सब फ्री लिविंग स्पीसीज होते हैं, ज्यादातर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग स्पीसीज पैरासिटिक नहीं होते हैं, और कहता है कि ये इसमें फ्लैट वर्म फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, ये मेराइन में पाया जाता है, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और याद रखिए, नोट कीजिए बार बार कि टर्बुलेडिया में, ठीक है, जो भी वर्म होंगे, जो भी फ्लैट वर्म होंगे, कोई भी पैरासिटिक नहीं होता, वो सब जो होता है वो सब होता है फ्री लिविंग, इसलिए वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है या मेराइन वाटर में पाया जाता है, बट होता क्या है, फ्री लिविंग ही होता है, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग होगा प्लेनेरिया, इसका एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया में बार बार पहले भी बोले हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, इसलिए क्वेश्चन में आता ही है हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, यानी यहां भी लिखा हुआ रीजनरेशन इज कॉमन बट हाईएस्ट इसमें होता है। दूसरा आपका है, ठीक है, ट्रीमेटोडा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा ट्रीमेटोडा, ठीक है, इसके जो एग्जांपल होते हैं वो इक्टो पैरासाइट भी होते हैं और इंडो पैरासाइट भी होते हैं, यानी बॉडी के होस्ट के बॉडी के सरफेस पे भी होते हैं और होस्ट के बॉडी के अंदर भी होते हैं, यानी इक्टो पैरासाइट भी और इंडो पैरासाइट भी होते हैं, दोनों होते हैं, और कहता है ये पैरासिटिक वर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, वही फेसियोला और हिस्टोसोमा, यानी वही लीवर फ्लूक जो भी बताया, लेकिन हिस्टोसोमा के बारे में जान जाइए, ये डायोसियस होता है, फेसियोला मोनोसियस, टेपवर्म मोनोसियस,
ठीक है, प्लेनेरिया मोनोसिल्स, बट ये होता है डायोसिस। तो हिस्टोसोमा एकमात्र ऐसा प्लेटिहेमेंथिस है जो डायोसिस होता है। क्या होता है? डायोसिस। और लास्ट में आइए, लास्ट जो तीसरा क्लास है वो है आपको सिस्टोडा। तीसरा क्लास क्या है? सिस्टोडा है, ठीक है। तो ये सिस्टोडा जो है, सिस्टोडा जो है, इसमें आएगा टेपवर्म, इसमें आएगा डॉगवर्म, और टेपवर्म में भी दो आएगा, एक टीनिया सोलियम, एक टीनिया सेजिनाटा। टीनिया सोलियम का होस्ट होगा पिग, सेकेंडरी होस्ट, और टीनिया सेजिनाटा का होस्ट होगा गाय यानी काओ। यानी काओ के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। और जो गोट हो, ये पिग होता है, उसके मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क। तो इसलिए टीनिया सोलियम को बोलते हैं पोर्क, ठीक है, टेपवर्म, और उसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म, ठीक है। तो जो गाय का मांस खाते हैं उनको टीनिया सेजिनाटा से होने वाला बीमारी होता है, और जो पोर्क खाते हैं यानी कि पिग का मांस खाते हैं उनको टीनिया सोलियम से होने वाला बीमारी होता है, बट दोनों बीमारी का नाम टीनियसिस ही है, ठीक है। उसके बाद एक डॉग वर्म है, ठीक है, उसका डॉग वर्म का नाम है इखिनोकोकस, इखिनोकोकस, इखिनोकोकस डॉग टेप वर्म, ठीक है। टीनिया सोलियम और टेप वर्म, और टीनिया सेजिनाटा इसको बोलते हैं बीफ, बीफ टेप वर्म। और यहां पे लिख देता हूं आपको, ये पूरा लिख देता हूं, डॉग टेप वर्म, डॉग टेप वर्म। इखिनोकोकस का नाम, इखिनोकोकस का नाम डॉग टेप वर्म, ठीक है, इखिनोकोकस का डॉग टेप वर्म। और टीनिया सेजिनाटा का, ठीक है, टीनिया सेजिनाटा का बीफ टेप वर्म, ठीक है, और टीनिया सोलियम का पोर्क टेप वर्म। तो ये तीनों आपका आ गया सिस्टोडा में। यानी सिस्टोडा भी पैरासिटिक क्लास है, स्पेशली डाइजेंटिक पैरासाइट, ठीक है। कहता है ट्रीमेटोडा भी मतलब पैरासिटिक क्लास है, बट जो ये टर्बुलेडिया है वो फ्री लिविंग क्लास है, ठीक है। यानी कि बताइए आपके प्लेटिहेलमिंथिस में कितने क्लास हो गए, ठीक है, प्लेटिहेलमिंथिस में आपको चार क्लास हो गए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, चार क्लास हो गए, ये तीन क्लास हो गए, टर्बुलेडिया, ठीक है, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या है कि इसमें ये जो मैंने बताया, ठीक है, ये मिसरेसमी यानी फेसियोला हिपेटिका के लार्वा का नाम जरूर याद रखिएगा, सिक्वेंस में कभी कभी आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको हमने बताया प्लेटिहेलमिंथिस, और प्लेटिहेलमिंथिस में एक चीज तो बराबर नीट में पूछा हुआ है, जबकि वो क्वेश्चन, वो जवाब एनसीईआरटी में भी नहीं है, वो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में क्या नहीं है? उसके मतलब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसके तीन नाम। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तीन नाम फिर से याद कीजिए, फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल्स, दूसरा, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, और तीसरा सोलिनोसाइट्स। तो यहां पे हम आपको क्या कर रहे हैं, जितने भी फाइलम है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए पहला तीन फाइलम जो इसके पहले था कौन कौन, पॉडीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस। ये पॉडीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस जो था, ये तीनों में जनरल बॉडी सरफेस से होता था एक्सक्रीशन। प्लेटिहेलमिंथिस में किसके द्वारा हो गया? फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट्स। उसके बाद क्या आएगा? एस्केल्मेंथिस। एस्केल्मेंथिस में एच लाइक सेल या ट्रांसवर्स सेल, एच लाइक सेल और ट्रांसवर्स सेल या रीनेट सेल। उसके बाद कौन आएगा? एनीलिडा। एनीलिडा में सीधे नेफ्रिडिया बोलिएगा। एनीलिडा में किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। ऑर्थ्रोपोडा में मालपीजियन टिब्यूल्स के द्वारा, बट कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे प्रॉन्स, उसमें होता है ग्रीन ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। फिर आता है ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन? मोलस्का। मोलस्का में मेटानेफ्रिडिया के द्वारा। फिर आता है इकानोडर्माटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, ओनली एक्सक्रीटरी सेल्स इज प्रेजेंट, नोन एज अमीबॉइड सेल्स। उसके बाद कौन आता है? हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा में प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकोडाटा में कौन सा ग्लैंड? प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड। और कोडाटा में कौन? किडनी। कोडाटा में कौन? किडनी, ठीक है। तो मैं ये मिटा के वो चीज मैं लिख देता हूं और आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ सांकेतिक लिखूंगा, सिंबॉलिक लिखूंगा, ठीक है। पॉलीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरंस, प्लेटिहेलमिंथिस,
एस्थेलमेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडर्टा, क्वाडर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन तीनों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस एक्सक्रीशन, जनरल बॉडी सरफेस। इसमें क्या बोलोगे? ठीक है, अभी जस्ट बताया, फ्लेम सेल्स और प्रोटो नेफ्रीडिया या क्या बोलिएगा, सोलिनोसाइट्स। ठीक है, ए से क्या बोलिएगा, एस्थेलमेंथिस में क्या बोलिएगा, ठीक है, रीनेट सेल और एच लाइक सेल और ट्रांसवर्स सेल। ठीक है, एनलिडा के बाद ये एस्थेलमेंथिस, नेफ्रीडिया, इसमें ऑर्थ्रोपोडा में मालपीजियन ट्यूब्यूल या कुछ में कॉक्सल ग्लैंड। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, जब ऑर्थ्रोपोडा पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे। मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया और इकानोडर्माटा में, ठीक है, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, ओनली अमीबॉइड सेल्स। ठीक है, और कहता है हेमिकोडर्टा में प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, और कोडर्टा में किडनी। ठीक है, तो बताइए प्लेटी एग्मेंटिस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बहाने हम आपको सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन बता दिए हर फाइलम का, तो जब अगला फाइलम पढ़ाएंगे तो आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जवाब तो जरूर देंगे। ठीक है, ये आपका रहा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए एस्थेलमेंथिस का। थैंक यू।